फिर इस 6 नंबर का इसको दे देते हैं तो दोनों के पास इक्वल पॉल्स हो जाएंगे वापस। अभी भी पॉल बचे हैं तो हम इसको एक और बॉल दे देते हैं, इसको भी एक और बॉल दे देते हैं, तो हमारे 8 बॉल्स तो डिस्ट्रीब्यूट हो गए। अभी भी 2 बचे हैं तो वापस दोनों को एक एक डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो अब 10 बॉल्स हमारे फिनिश हो गए। अब हम देखते हैं कि दोनों के पास में कितने कितने बॉल्स आए। तो 1 2 3 4 5 हर एक के पास में 5 बॉल्स आए, मतलब हम बोल सकते हैं कि 10 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 5। अगर 10 बॉल्स को 2 के पार्ट में डिवाइड करते हैं तो हर एक के पार्ट में कितने बॉल्स आएंगे, 5 पार्ट, तो हमारा आंसर हो जाएगा 5। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है राइट द डिवीजन फैक्ट। हम एक एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास यहाँ पे टोटल कितने नंबर ऑफ काइट्स है, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। हमारे पास टोटल 8 काइट्स है और हमने क्या किया है, 8 काइट्स को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो एक पार्ट में 2 काइट, सेकंड पार्ट में 2 काइट, थर्ड पार्ट में 2 काइट, फोर्थ पार्ट में भी 2 काइट। तो अगर हमें इसको डिवीजन फैक्ट लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, पहले जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ काइट। तो टोटल नंबर ऑफ काइट कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल नंबर ऑफ काइट्स कितनी है, 8, तो हम लिखेंगे 8। अब हमने उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया है, 4 पार्ट में, 4 पार्ट में डिवाइड किया है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 8 डिवाइडेड बाय 4, बिकॉज हमने उससे 4 पार्ट में डिवाइड किया है। अब इक्वल्स टू के आंसर में क्या आएगा, 2, बिकॉज हमने हर एक पार्ट में कितने काइट डिवाइड किए, इक्वली 2 काइट, फर्स्ट पार्ट में 2 काइट, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, तो हमारा आंसर सामने होगा 2। तो 8 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू 2। तो इस तरीके के डिवीजन फैक्ट की एक्सरसाइज आपकी बुक में दी हुई है, वो आपको सॉल्व करनी है।